मैं चाहूंगा जो भी हमारे सिंगर भाई हैं कृपया वो इस रो में आए, ये सिंगर कॉलोनी है, क्योंकि कहते हैं कि ये कॉलोनियां बहुत बच गई, प्यार बहुत हो गए, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तो भी उनकी एक पहचान अलग बने, एक आइडेंटिटी अलग बने, जिससे ये पता लगे। मैं चाहूंगा बिना जी आप इधर आ जाए, आप एक वीवीआईपी गेस्ट श्री नवतन जी बोथरा, श्री मधु बोथरा, और इवन आने वाले और भी जो हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, पद्मश्री श्री जतेंद्र जी, संजीव जी और कई और गणमान्य व्यक्ति आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, फोन पहुंच रहे हैं, लोकेशन भेजी जा चुकी है, किसी भी वक्त वो हाजिर हो सकते हैं, सिंगर्स भी और आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम रोज सुना है, सुनने में आया कि रोहिणी में भी हो रहा है, एक और जो है शास्त्री नगर में भी हो रहा है। लोगों के मन में ये डर था कि शायद प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, हमने जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक उस टाइमिंग एडजस्टमेंट को संडे को देखते हुए 2 बजे से 7 बजे का रखा, ताकि आप लोग के पास में फिर भी 3 घंटे हैं, आप आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं। मैं उन सिंगर भाइयों का जो डे नाइट अलग अलग प्रोग्राम के इवेंट्स के अलग अलग आगे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उनके मन में जो डर है उस चिंता के लिए सबसे पहली चीज ये हमने करी कि इस नए साल के अंदर में राजधर्मा जी के इस नए स्टूडियो का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया कि अगर हम शुरुआत करें तो सर आपसे करना चाहते हैं। मैं कोई बात नहीं, इमीडिएट बुकिंग करी, कारण ये बन गया लॉकडाउन ओमिक्रॉन, आज ओमिक्रॉन का अगर भाई आ जाएगा आपको पता है डेमिक्रॉन, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं आ रही, हम लोगों के पास डिपार्टमेंटल आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन का फिर कोई नया वर्जन आ जाएगा। भाई एक परिवार है, परिवार के अगर 2 बच्चे 4 बच्चे हो गए तो ये कोरोना के भी आगे से आगे फैमिली बढ़ेगी, अपने इनसे घबराते नहीं, क्योंकि अब हमने 3 चीजें व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क अपने पास अवेलेबल है, सैनिटाइजर अपने पास अवेलेबल है, अपने जो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स जो अपने इसके अंदर में हाइजीनिक नॉर्म्स होते हैं वो सब फॉलो करेंगे, और आप सबका सहयोग मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि देखिए एक आदमी अगर आप जाते हैं तो कम से कम 4 को तो आप तैयार कर ही सकते हो सेकेंड डोज के लिए, उसके बाद में जब बूस्टर डोज की जो गाइडलाइन आएगी अपने उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें भी अभी मिसगाइडेंस बहुत तरह तरह के मुंबई में और में कई केसेज हो गए इस टाइम के, कोई भी OTP नहीं भेजेगा आपके, किसी भी तरह की जानकारी किसी भी बातचीत होती है उसमें कोई भी आदमी अपना OTP नहीं देगा, वरना आपके अकाउंट से रुपए हट जाएंगे, इसलिए चेतावनी की थोड़ी एक जानकारी आई है। अभी एक जगह आशा हुआ फिर फ्रॉड को पकड़ा गया, तो अपने अलर्ट कर रहे दिल्ली वालों को इससे पहले कि दिल्ली वाले नुकसान में जाए, हम नहीं देख चाहते, क्योंकि दिल्ली है और दिल्ली की शान आप हैं। आइए चौहान जी को अनुरोध होगा ये सारे कार्यक्रम, कोई अदर गेस्ट भी है, कोई सिंगर भी है, बीच में कोई डांस वगैरह का भी आ सकता है। राजधर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो काफी समय से यहाँ पर काफी फेमस हो रहे हैं, और मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ है, मैं भी चाहता कि राजधर्मा जी कभी मुझे बुलाए तो मैं भी उनसे मिलूँ, लेकिन आज मेरे सामने वो बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों को और उनको भी देख रहा हूँ। वैसे मैं फिल्म लाइन से हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, लेकिन जब से कोरोना का एक ऐसा माहौल चला है तो उस बीच में हम लोगों को भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए या अपने आप को बदलने के लिए इस टाइम में हम लोग आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर श्री खंडेलवाल जी हमारे बीच में बैठे हैं, खंडेलवाल जी प्लीज जरा एक बार आप खड़े हो जाइए, ये हमारे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जी हैं, प्लीज तालियां बजा लीजिए। अभी कुछ और भी कह रहे हैं जो आएंगे, और मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता रहूंगा। आप यदि कोई भी सिंगर है, शीतल जी, शीतल जी एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेकर आ रही है, शीतल जी आप सभी को मेरे प्रणाम। Thank you.
आप सभी को Thank you.
Thank you.
सकती है, शायद डिक्शनरी भी कम पढ़ सकती है, क्योंकि जिन शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, हमारे तेरा पंथ समाज के भी बड़े गणमान्य व्यक्ति, जिन लोगों की धरोहर से और बहुत ही उम्दा कोशिश के बाद में जो अभी हमारे गुरुदेव का जयपुर तक में आगमन हो गया, अभी अपने वहाँ भी घर है तो वहाँ पर भी वो पधारे थे, और उसके साथ साथ में अब जो कोशिश लग रही है आप दिल्ली वालों के, उसको भी बहुत जल्दी सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। मैं आप सबके बारे में एक ही लाइन कहूँगा, एक सेकंड के लिए डॉक्टर दलपत जी लोनिया आप पधारे। डॉक्टर कुसुम जी लोनिया, मधु जी पोखरा, लेकिन आपका सहयोग आपके पूरे समाज के लिए बहुत ही कोशिश ये रही, हमेशा हेल्थ की जानकारी है, गुड मॉर्निंग एक ऐसा पैटर्न आ गया जिससे पता लगता है कि आदमी जिंदा है, चाहे वो कहीं पर भी है। कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिनको मैं रात के 1:30 बजे बाद ही कांटेक्ट करता हूँ, हम लोग भी टाइम फिक्स है, बाकी अपने काम दिन भर करते हैं, वो उस शख्स को भी मैं बुलाना चाहता हूँ, डॉक्टर डी के मेहंदी रत्ता, जो ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा लोगों को रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, उनके 3 भाई और भी हैं, लेकिन आप अपनी माँ को छोड़ के जो ट्रस्टी हैं उनको छोड़कर वो नहीं आते, सिर्फ मेरे निवेदन पर स्पेशली आप बता रहे हैं, मैं चाहूँगा आपका भी अभिनंदन हो। इंडिया के अवार्ड के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे शख्स के हाथों से हो जिनके स्त्री बोलती नहीं काम करती है, अगर आपका किसी का भी काम रुका हुआ हो तो सिर्फ इनका जो आशीर्वाद मिलेगा उसकी ग्रेविटी आप देखना, आप पूरे वर्ष भर खुशियां ही खुशियां मनाएंगे। ये हमने प्रूफ रिजल्ट्स देखे हैं, क्योंकि कहते हैं प्राइड ऑफ इंडिया कह देना बड़ी बात नहीं होती, यू हैव टू सी अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड द रिजल्ट्स। तो मैं उसके लिए चाहूंगा श्री डॉक्टर साहब श्री दलपति लोनिया अब आप सबको अपने आशीर्वचन कहे, उसके बाद डॉक्टर कुसुम लोनिया जी। हाँ जी आइए आगे आइए, कैपेसिटी के साथ में अपने को चलना है, उन सब का बात का ध्यान रखते हुए मास्क सैनिटाइजर एंड अदर फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम चल रहे हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है टाइमिंग जरूर इसलिए टाइट हो गई है कि 2 से 7 के कर दे ताकि 10 बजे तक का मैं आप अपने आराम से घर पहुंच सकें। ठीक है, माँ सरस्वती को नमन, माँ भारती को नमन, वर्ष 2022 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का विषय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस दौरान आदरणीय सुराणा साहब द्वारा आप सबको प्राइड ऑफ इंडिया से प्राइड ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ये सचमुच आप सब लोगों के लिए बहुत ही बधाई की बात है, बहुत ही शुभकामनाओं की बात है। साथियों, कोई भी सम्मान होता है वो आपके दायित्व को बढ़ा देता है, जिस जगह पे जिस तरह आपने जो भी काम किया है उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है, इस जिस काल में आप जी रहे हैं, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसको और बेहतर बनाने का संकल्प आप लें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा श्री नवरत्न जी दोथरा आगे आए, आपने पिछले 1.5 साल के अंदर में कोरोना में डर कर नहीं हिम्मत से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया और उसके साथ साथ में अपनी ड्यूटियां अपने बिजनेस प्रोफेशन को भी बहुत अच्छे ढंग से निभाया, क्योंकि कहते हैं कि वक्त अपना नहीं होता, वक्त उसका होता है जिसे चाल चलनी आती है। आपको पता हो कि इनके चलते कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई थी इनके स्टाफ की, स्पेशल परमिशन करवा के इनको ऑफिस भेजा गया सिर्फ इसी बात के लिए कि अपनी सैलरी ये बोले मेरे को नहीं चाहिए, पहले मेरे स्टाफ को मैं दूंगा, और उसके लिए परमिशन मिलते ही ये पहले जाकर 3 घंटे का स्पेशल परमिशन लेकर जब लॉकडाउन लगा हुआ था
उसके अंदर में आपने जाके बहुत बड़ा बेहतरीन काम किया, क्योंकि देखो परिवार में हर घर का चूल्हा लगना चाहिए और उसके अंदर में सैलरी एक ऐसी चीज होती है जो हर एक की नेसेसिटी है। इनके साथ साथ में खुद तो इस खूबी में रह गए, अपनी पत्नी को भूखा रखा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 21 दिन की तपस्या करके श्री मधु जी आगे आई। इन्होंने तप बल, जो कहते हैं कि जैन धर्म में तप से बड़ा कुछ नहीं होता, आप अपने आप को तपाओगे तो वो अपने आप में एक यज्ञ होता है, और उस अग्नि के यज्ञ में जैसे आप किचन में चूल्हा जलाते हो वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। कभी भी और कुछ कर ना सको, मैं तो वो दिए की वो माचिस की तीली की तरह हूँ, अगर भगवान मुझे कुछ बनाए तो लोगों के घर में चूल्हे जलाने की क्षमता जरूर दे। मैं चाहूंगा कि आपको अभी मैं चाहूंगा कि आप भी जरूर दो शब्द ज्ञान के लोगों को बांटे। उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले नववर्ष 2022 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे ये यहाँ पे सम्मानित किया, बुलाया गया, उसके लिए सोना साहब का आभार। उन्होंने दो शब्द में ये चीज बोली, ऐसा है सबको साथ लेके चलने में जो मजा है वो अकेले चलने में मजा नहीं। मैंने जहाँ पे भी जिस जगह 23-24-25 साल से मैं हूँ बल्कि मैंने यही चीज सीखी है और यही ईमानदारी कमाई है। इसी वजह से जो सदस्य, मैं सदस्य ही कहता हूँ, जो स्टाफ जो भी है, जूनियर सीनियर जो जुड़े हुए हैं, उनके जहाँ जो हो सके इस समय में कोरोना को ध्यान रखते हुए हेल्प करें, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट। मेरे वाइफ का तपस्या का जो बोला, ये सब देव गुरु धर्म के सड़ने से ही हुआ है। 2 साल पहले भी इन्होंने 11 की तपस्या की, इस पिछले साल अगस्त में 21 की तपस्या करके 4 महीने है। उसमें मेरी और इनकी कोई क्षमता ठीक है, इन्होंने अपना जो योगदान किया ठीक है मधु जी ने, बाकी ऊपर हम तो सहयोगी हो सकते हैं, तो उससे बड़ी शक्ति मिलती है। और इसमें क्या है, हमारे तपस्या में सबसे बड़ा इसमें एक चीज है कि जो आदमी ऊपर जो सहयोग करता है वो भी कहते हैं कहावत है साथी में साथ तपस्या में भी क्या है, सिर्फ दिन में पानी सूर्योदय के बाद में सूर्यास्त से पहले वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। 21 दिन जितने करोगे उतने ही दिन बाद में ध्यान रखना होगा, सीधा ऐसे नहीं है लिया अगले दिन खा लिया वो नहीं कर सकते। तो ये देवपुर धर्म के सड़ने से है। मेरे फादर इन लॉ जो मेरे 3 साल पहले एक्सपायर हुए, मैं उनसे ये प्रेम करता हूँ, मतलब 20 साल मेरे शादी के हुए उसमें मेरे 14 मास खबर उनके देखे, मतलब 28 से लेके 45 तक वो तपस्या करते थे एकदम बेवफा, उनका पता ही नहीं चलता था कि 15-20 है। हम आज 20 करते हैं तो सोचते हैं 20 तो बहुत बड़ा मुकाम कर दिए। तो ये सब देव गुरु धर्म के सड़ने से होता है। बस ये मैं चाहूँगा मधु जी आप भी कुछ कहें। जय जय नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं सबको। सुराला जी ने इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार। मैं क्या जाना, वो सब तो बस मेरे लिए आभार ही व्यक्त करना ही सही है, बाकी तो सब बोल ही दिया मुझे सबने, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैं स्टेज पर अभिवादन के लिए खंडेलवाल जी को बुलाना चाहूंगा, मीना दीदी जी को बुलाना चाहूंगा। बड़ों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो शायद ही कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पा सकते हैं। अभी भी इन्होंने 2 बम्बई से आए हुए मुंबई से 2 फिल्म डायरेक्टरों को मिलवाया, सिर्फ वो इसलिए आए हमारे प्रोग्राम में कि खंडेलवाल जी आप कहाँ हो, मेरे पास टाइम नहीं भाई, मेरे को उस प्रोग्राम में जाना है। स्पेशली आए फिर मिले मुलाकात, उसके बाद में
और भाई साहब ये मुलाकात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि उस समय आप सबका अभिनंदन समारोह चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जो आदमी कुछ पाने के लिए चाहता है, कोशिश भी करता है, पूरे वर्ष लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जब मिल जाती है तो उसकी खुशियां वो सारे परिवार, समाज और कुटुंब और राष्ट्र को बांटता है। तो इसलिए उस माहौल को हम थोड़ा जागृत करने के लिए, क्योंकि प्राइड ऑफ इंडिया आपकी और हमारी अकेले की धरोहर नहीं है कि मैं घर में लिया और बैठ गया। ये वो चीज है, यहाँ वो जाने वाली हस्ती आ रही है कि शायद आने वाले टाइम के अंदर, चूंकि अपना लाइव डिले चल रहा है, वर्ल्ड वाइड डिले हो रहा है, एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है ये तो भी पहली के बाद में दूसरी जनवरी आई है, ये शुरुआत है। जब कोरोना खुल जाएगा, लोगों का डर हट जाएगा, और भी कई प्रोग्राम इससे बढ़िया बेहतर प्रोग्राम होंगे और हम भी करेंगे। एक चीज जरूर कहूंगा, हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है। ये वो हिम्मत है कि अगर मैं चार पिलर खड़े कर दूं तो एक नहीं 1000 मकान जैसे मैं खड़े करके दिखा सकता हूं। आज हमारी सिविल डिफेंस टीम 4.5 लाख लोगों की टीम है। कल और आज के अंदर में दो घटनाएं हुई, हमसे कार्यक्रम व्यवस्था के बीच के अंदर में मैसेज आया कि 7-8 में आप दीजिए। रातों रात आदमी नहीं तैयार होते, उनको तैयार किया जाता है, ब्रेन बिल्डअप किया जाता है, फील्ड में भी दौड़ाए रखना पड़ता है, क्योंकि मोटर अगर चलेगी तो पानी जरूर घर में आएगा। तो उसी तरह से उसके बाद में फिर सुबह सुबह की बात है, हम तो इधर आने की तैयारी कर लें, और उस समय मैसेज आ गया 300 आदमी दीजिए। उनको तो ऐसे लग रहा है हम घटिया लिए बैठे हैं, आया मांगा और फड़ा दी। 15 मिनट जरूर लगे हमें आदमियों को मैसेज करने में, उसके बाद जहां डेस्टिनेशन पे जिस पॉइंट पे मांगा गया उनको वहां पहुंचा दिया। अभी रिसेंटली आपने रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ वाला आपने खेल देखा। खेल इसलिए कहता हूं क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ उससे नहीं रुका, ये रुका आपके पेट्रोल से पैसे बचाने से। जो आप ट्रैफिक में गाड़ियां रोक के आपने अपना पेट्रोल बचाया, अपना धन बचाया। हमारे सारी टीम हर चौरस्ते पर जो भी रेड लाइट पे थी उनको सबने काम करके दिखाया। शायद आप लोगों को भी जमीन कहीं दूसरी चीज सबसे बढ़िया चीज होती है कि इतने समझदार इंडियंस हैं। आज आपको देखकर, दिल्ली के एग्जांपल्स को देखकर दूसरे दूसरे शहरों में, मैं रिसेंटली अभी लास्ट मंथ जयपुर गया था, सेम यही पैटर्न, चूंकि गवर्नमेंट वहां डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने यही पैटर्न दिल्ली वाला वहां भी अपनाया। कोई चीज अगर सीखने की होती है तो उसके अंदर में बहुत बड़ा रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। आप अगर एग्जाम्पल है तो आप ये मत समझिए कि आप यहाँ बैठ गए, आपके पीछे न्यूज वाले लगे हुए हैं, आपके पीछे मीडिया लगी हुई है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा सक्सेसफुल आर्ट हो गया है। अगर आपको कुछ आता है नहीं आता है, बेटा बोला टाइम क्या है, वहां एक सेल्फी ले लिया, क्या चीज में लूं, बोले बेटा बस एक मोबाइल हाथ में ले ले, इसके अलावा सुबह से शाम तक तो यही ले रहता है। हमारे जो कुछ गेस्ट है उनको सम्मानित करते हुए, और ये शुभ सम्मानित लोग जो होते हैं ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं होती है, बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर ये नजाने कितने कार्य करते हैं, और उस कार्य को देखते हुए इनको हम लोग जो सम्मानित करते हैं। वही पीड़ा हमारे सुनाना जी ने उठाया, और सुनाना जी समय समय पर जो प्रोग्राम करते रहते हैं बहुत खुशी की बात है। लोगों को सम्मानित भी करते हैं, लोगों को आभार भी देते हैं, सिंगरों को, डांसरों को, ना जाने के लोगों को चांस भी देते हैं। तो मैं चाहता हूँ जरा एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज सभी हमारे सम्मानित लोग हैं। कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजर भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता रहता है। मैडम जी प्लीज जरा थोड़ा सा हो गए हमारे गेस्ट हैं, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है इनको सम्मानित करना, सभा के अंदर बुलाना, सभा के सामने एक दूसरे जो एक किरिंग है उससे भी सम्मानित कर रहे हैं, और एक कैप से जोरदार ताली हो जाए। कहते हैं
और बताइए बनना है तो हाथ रेज कर लें, क्योंकि देखो जो डर गया वो और जो कोरोना को डरा लिया वो बच गए। अगर आपको गणपति बनना है तो ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने इतिहास अपने लिए नहीं समाज के लिए राष्ट्र के लिए दायित्व जो लिया हुआ है उसको निभाते जा रहे हैं। मैं हर पल हर क्षण इन चीज को देखता रहता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। कहते हैं कि दिया होकर सूरज को, इन सब के लिए मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी लाइन कि दिया होकर सूरज को मैं क्या रोशनी दिखाऊंगा, आपकी नजरें इनायत होगी तो मैं भी तिर जाऊंगा। उनको एक शीर से मान सम्मान कर रहे हैं। मेहंदी रत्ता जी हमारे बीच में, मेहंदी रत्ता जी एक बहुत हमारे एक वो भी वीआईपी गेस्ट है, सुनते हुए गेस्ट है, वो भी आदर से सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जितने भी हम गेस्ट हैं उस प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड बोली, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया का क्या है कि कोशिश लाख करते रहे। एक बच्चा होता है कोशिश करता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, तो ये तो मेरी अब प्रैक्टिस हो गई है। मैं तो यूं ही उठूंगा यूं ही गिरूंगा। तो मेरे दादाजी ने एक बात सिखाई थी, भाई ये उठने गिरने का पैटर्न तब तुम्हारा बंद होगा, मैं समुद्र की लहरें बंद कर दो बंद हो जाएगा। तो ना तो समुद्र की लहरें कम होती है ना हमारा उठना सीखना कम होता है। हम यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, इनका सानिध्य लीजिए, आप फोन नंबर लीजिए, सबसे बड़ी चीज है अगर मौका हो तो एक मिनट जरूर इनको दीजिए। ये आपको वो चीज बताएंगे जो शायद आपके जीवन को बदल के रख दे। आपने मैं एक बड़ा भाग हो, मैं आपको शुरू से मिलते परिचय हुआ सरगुण जीजा जी और इस तरह से कहने लगा। यहाँ हम आज भी दसों साल से आते जाते रहे इस एरिया में। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज हमने भी अपना घर का सिलेक्शन जो किया इनके यहाँ पर ही नज़दीक में किया और 15 मिनट हमें लगे सिर्फ डिसाइड करके यस नो करने में और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। हम बहुत ही नज़दीक आ गए, आपके घर दो गली एक गली छोड़ते ही है। सबसे बड़ी चीज जो पीस और जो पॉल्यूशन फ्री एरिया, क्योंकि आपके जीवन को चाहे कोरोना हो या न हो नॉर्मलिटी में भी अगर पॉल्यूशन से आप बचेंगे तो आप कम से कम नहीं ज्यादा नहीं तो जितनी भी एज है उससे और 10 साल आप प्लस हो जाते हैं। साइंस हमेशा एक ही लाइन कहती है, इफ देयर इज ऑक्सीजन H2O जो आपके शरीर के अंदर चल रहा है और कुछ पिए ना पिए आप पानी कंटिन्यू पिए तो H2O अगर आपको मिलता रहे, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका अच्छा रहेगा तो उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं है। स्वास्थ्य एक अलग बात, उम्र एक अलग बात, लेकिन उससे बेटर अगर ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन और घूमने को मिल जाए और आपको मिलता रहे तो आपको 10 साल से ज्यादा आपको उसकी एज प्लस आपको मिलेगी। थैंक यू। आपने तो 10 साल पहले ही एरिया में कब्जा कर लिया। नहीं सुराना जी एकदम सही कह रहे हैं और आज के डेट में मैं सोच रहा हूँ कि पुराने बुजुर्ग कहते थे कि सबसे बड़े निरोगी काया, सबसे पहला धन कौन सा है, निरोगी काया। अगर अपने स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो मित्रों मैं ये कहूँगा आज के बाद अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें, उसके बाद पैसे, उसके बाद धन्यवाद। जिनको सम्मानित करेंगे और मैं तो ये चाहता हूँ कि और उनको लोगों से मिलवाना और लोगों को बताने के देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब हम उन लोगों का थैंक यू अदा करते हैं। मेहंदी रत्ता जी को भी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मेहंदी जी एक वो इंसान है जो हर गीत संगीत वो भी एक माहौल को बनाता है। हम इस बीच में एक बार मैं दोबारा चाहूँगा कि एक बार वंदना जी आप स्टेज पर आवे। उनका नाम है मंसूर जी। हाँ आप हैं मिलती है जिंदगी पे वो गौरव कभी।
Thank you.
सुनील जी, हम लोगों का भी आप स्वागत।